हाजी अली दरगाह जाने वाले रास्ते पर आज ईद के मौके पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई लोग। आप लोग कहीं दूर से आने वाले हैं तो समझ लीजिए कि अभी 3 दिन तक बहुत फुल गर्दी रहेगी। दरगाह पे जाने के लिए यहाँ पे फूल की चादर मिलेगी। एक कव्वाली है ना भाई लोग, बम्बई में आप देखिए हाजी अली की धूम, तो आज ही का वो दिन है जो ईद का दिन रहता है और ईद के ही दिन वो धूम रहती है। अभी ये देखो, ये सब्बे बनाया गया उधर से आने के लिए और ये जाने के लिए। आप लोग देखिए इस सब्बे के अंदर धूम है ईद की छुट्टी मनाने के लिए सब बाहर से पब्लिक आए हुए हैं और सबवे में थोड़ा आवाज़ गूंजती है, इसीलिए सब लोग एक नारा लगाते रहते हैं, चिल्ला पुकार करते रहते हैं, भाई ये इंडिया है इंडिया। हम आपको 1 मिनट के अंदर ही दिखाएंगे हाजी अली दरगाह शरीफ, जो मुंबई में समुंदर के बीचों बीच बनी हुई है ये दरगाह। आज तो हमें कहना पड़ेगा ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह या हाजी अली साहब बाबा। Thank you.
हाजी अली दरगाह के सामने जो रोड है वहाँ पर इस वक्त पानी चढ़ चुका है, आप लोग देखिए। यही वो न्यू ब्रिज बनाया गया है जो हाजी अली दरगाह के जस्ट सामने से है। ये वही सीलिंग है जो वर्ली सीपीएस से लेके मरीन ड्राइव की तरफ जाता है। और ये है मुंबई शहर, मुंबई के बीचों बीच ये रहा हाजी अली दरगाह। आज तो मुझे लगता है हाजी अली दरगाह का गेट बंद कर दिया जाएगा क्योंकि पानी भर चुका है। मुंबई में आप देखिए हाजी अली दरगाह शरीफ की ज़ियारत करिए। ईद के मौके पर ये हर वक्त एक साल के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। आप सभी को हमारे हाजी अली दरगाह शरीफ में ईद के मौके पर ज़ियारत करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर से आए हुए लोग हाजी अली दरगाह पे घूमने के लिए। समुंदर की लहरें इस तरफ, समुंदर की लहरें शांत रहती है और इस तरफ तूफान मचाती रहती है। आप लोगों ने एक कव्वाली में सुना होगा, मुंबई में देखिए हाजी अली की धूम। तो आज ही वो दिन है ईद का त्यौहार जो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के धूम का नज़ारा देखिए। आज बहुत ही ज़्यादा रश है, ऐसे तीन दिन तक रश रहेगी। पब्लिक दूर दूर से लोग आएंगे, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं इस दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए। और ऐसे तीन दिन तक फुल गर्दी रहेगी, आप लोग सोच समझ कर आइए। आप लोग को ईद के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा गर्दी रहेगी और तीसरे दिन भी बहुत ज़्यादा गर्दी रहेगी। तो कहीं और चले जाइए, गर्दी के मौके पर भीड़ भाड़ में आपको परेशानी होगी आने जाने में। सोच समझ कर घर से निकलिए दोस्तों, क्योंकि हाजी अली का नज़ारा जो है वो मुंबई में ही मिलेगा और कहीं नहीं। आप लोग
मौके पर आप लोग देख सकते हैं आज 24 में आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक दिली मुबारकबाद ईद मुबारक दोस्तों आप लोग कैसे हैं बाबा की मज़ार है ज़ियारत कर लीजिए दोस्तों ईद के मौके पर इतनी गर्दी है